बिहार सरकार के द्वारा लंबे समय से यूं कहे कि चौकीदार में जो भर्ती होती थी वो पासवान जाति के ही लोग होते थे, लेकिन अब सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। आपको बताते चले कि अब सामान्य भर्ती प्रक्रिया के तहत सभी लोग यानी सभी जाति के लोग के लिए अब छूट दे दिया गया कि वो अब लोग भी चौकीदार बन सकते। इसको लेकर के अरवल जिला की तरफ से एक विज्ञप्ति निकाली गई थी और इसमें कहा गया कि सामान्य कोटि के तहत यूं कहे कि सभी लोग चौकीदार बन सकते। इसको लेकर के पासवान समाज के लोग सड़क पर उतर गए, आंदोलन भी करने लगे। इसको लेकर के चिराग पासवान की बहन हुई, वही जमुई से सांसद अरुण भारती ने यानी नीतीश सरकार से बात भी किया था और उस भर्ती को रोकवाया गया। हालांकि अभी एक तरीके से कहे तो अभी पूरी तरीके से पक्की मोहर नहीं लगी है कि पासवान जाति के ही लोग से यानी चौकीदार बनेंगे, लेकिन आज धरना स्थल पर जमुई से सांसद हैं अरुण भारती पहुंचे हुए थे। क्या कुछ कह रहे सुनवाते आपको। देखिए, हम लोग को जैसे ही पता चला कि हमारे यहाँ पे दफादार चौकीदार भाई लोग, हमारे समाज के लोग, बिहार के कमजोर वर्ग के लोग और पूरी बिहार की जनता का कहीं भी कोई भी मांग होगा, कोई भी आपत्ति विपत्ति होगी, कहीं भी कोई ऐसा ये होगा तो हम लोग उनके साथ बताने आए थे कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और चूंकि हम लोग सरकार के साथ में हैं तो इसमें जो भी सकारात्मक सरकारी उपाय हो सकता है, समाधान हो सकता है, उसको हम लोग करने का कार्य करेंगे। बहरहाल 7 जुलाई 2024 को चिराग पासवान जी ने पहले ही इस मांग को उठा रखा है और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से सकारात्मक पहल हो चुका है और आने वाले समय में एक सकारात्मक समाधान होगा जो सभी पक्षों को मान्य होगा। तो आपने सुना किस तरीके से जमुई से सांसद हैं चिराग पासवान के बोलों ने साफ साफ कह दे कि आगे जो भी प्रक्रिया होगी और हमने बैठ करके इस भर्ती को यानी सामान्य कोटि से जो भर्ती की जा रही थी उसको रोकवाने का काम किया और आगे भी नीतीश कुमार से बात करेंगे। वहीं यहां पर तमाम जो लोग पहुंचे क्या कुछ कह रहे हैं अपनी मांगों को लेकर को भी सुनवाते हैं आपको। देखिए, वो तो हम लोग के मांग में समर्थन के मांग में आए हुए थे कि जो मतलब स्वेच्छा सेवानिवृत्ति जो है जो पूर्व में सरकार नीतीश जी ही का दिया हुआ था 2014 में, इससे पूर्व 1995 में लालू जी का दिया हुआ था। और चौकीदार वर्ग जो है आज से 100 वर्ष पूर्व से जो है ये पुश्तैनी नौकरी चलते आ रहा है, इसी की बचाने के लिए उनका समर्थन था हम लोग के बीच में। हाँ, क्या लग रहा है, अब तो जनरल भर्ती हो रहा है? नहीं, जनरल भर्ती यह है जो कि सरकार का गलत फैसला है, जो कि पूर्व में हम हमारे पुश्तैनी नौकरी को ख़त्म करने के लिए ये अच्छा नहीं है, सरकार की तरफ से अच्छा कदम नहीं है। उम्मीद है नीतीश सरकार को? हाँ, उम्मीद है हम लोग को कि उन्होंने पूर्व में किया था 2014 में, अब फिर करेंगे, उम्मीद है। कहाँ से? सीतामढ़ी से आए हैं। विश्वास है कि हम लोगों को बहाली करेंगे, नियुक्ति पर देने का काम करेंगे, आश्वासन दिए हैं, उम्मीद है उनसे। जी, सीतामढ़ी जिला से आए हैं। चौकीदार में जनरल बहाली इसलिए नहीं होगा कि हमारे पूर्वजों अंग्रेजों के जमाने से ड्यूटी कर रहे हैं और हमारे बाबा फ्री में ड्यूटी किए, बाबूजी भी फ्री में ड्यूटी किए, जब वेतनमान किया गया तो उन बंद कर दिया गया, वो नहीं चलेगा, समझे। फ्री में हमारा बाबा दादा ड्यूटी किए हुए हैं, वेतनमान किए हैं तो नौकरी रोक लगा दिया है, नीतीश कुमार जी को देना होगा। फिर एक बार ऐसा ही रोक लगा दिया था तो 2014 में भी दिए थे, फिर नीतीश कुमार जी को देना ही पड़ेगा। नहीं होगा तो क्या करिएगा? हम लोग फिर धरना स्थल पर बैठेंगे, पूरा बिहार का थाना खाली कर देंगे और गर्दनी बाग में बैठेंगे और जेल जाने का भी काम करेंगे, और जे भी होगा जे करेंगे। तो अंग्रेजों का जमाना से चौकीदार डबदार का बहाल हुआ है, ये तो कुछ किसी का कोई देन नहीं है, लेकिन हम लोग का यदि चौकीदारी डबदारी का अगर नहीं हुआ तो हम लोग एक हफ्ता के अंदर में पूरा एकदम जन पूरा गांधी मैदान रैली करेंगे, पूरा पूरे पटना को जाम करेंगे हम लोग। तो आपने सुना किस तरीके से तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं धरना देने के लिए, साफ साफ कह रहे कि अंग्रेजों के जमाने से हम लोग के जाति के लोग यानी पासवान समाज के लोग बिना पैसे पर चौकीदारी करते आ रहे हैं, तो आज इसकी परिस्थिति क्यों बनी और अगर ऐसी होगी तो हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे और नीतीश सरकार को हम लोग का हक जो है देना ही पड़ेगा। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।